बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है फिर से होंगे। तो आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो VIV के P9 MT 6580 एंड्रॉयड वर्जन है 5.1। तो आज हम इसको पेश करेंगे वो में मिरेकल 3.40 की मदद से। अगर आपके पास SP प्ले स्टोर है तो उसकी मदद से आप भी इसको पेश कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसी फाइल और प्ले टूल का लिंक दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कीजिए और C1Zip के थ्रू एक्सट्रैक्ट कीजिए। आप देख सकते हैं मैंने जो है ना फ्रेमवर्क को लोड कर दिया है और सिंपल ही मैंने स्टार्ट पर क्लिक कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं इसने पोर्ट ले लिया है। तो अगर आप अपने VIV के P9 MT 6580 एंड्रॉयड वर्जन है 5.1 को प्लेश करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसका बैकअप प्लेश फाइल लेना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको दुश्वारी पेश आ सकती है। अक्सर फोन डेड हो जाता है या LCD का मसला बाद में आता है, तो आपको सबसे पहले इसका बैकअप फ्रेमवर्क लेना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं प्लेशिंग का प्रोसेस अब स्टार्ट है। तो हमारे फ़ोन में जो है ना मेरे ख्याल में MMC का मसला है। तो ये हम देखते हैं कि हमारा फ़ोन जो है ना प्लेश होता है कि नहीं। अब सिस्टम पर जो है ना राइटिंग हो रहा है, तो थोड़े देर में हमारा प्लेशिंग का प्रोसेस अब कंप्लीट हो जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि आप पुल बैकअप फाइल लें। इसका ये चाइना का फ़ोन है VIV के P9 MT 6580। तो ये आप देख सकते हैं यूज़र डेटा भी जारी है हमारे फ़ोन को। तो इसका बैकअप फ्रेमवर्क मैंने लिया था, उसमें यूज़र डेटा नहीं था क्योंकि इसका MMC करप्ट था। तो हमारा प्लेशिंग का प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है। वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।